सभी को नमस्कार। दूसरे डून लिटरेचर फेस्टिवल के अगले सत्र में मैं सुभाष तराँ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जिस विषय पर चर्चा होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम एक परिचर्चा के तौर पर किसी विषय को रखते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि पर जरूर कोई दो बात बताई जानी चाहिए। हमारी परिचर्चा का जो विषय है वो पलायन एक चिंतन है। पलायन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रकृति की। ब्रह्मांड से लेकर परमाणुओं तक में पलायन चला रहता है। मानव सभ्यताएं भी इसी पलायन के बूते पर समृद्ध हुई है, हालांकि उसके अलग अलग पक्ष है, लेकिन फिर भी हम इसको नजरअंदाज नहीं कर, उसके अच्छे पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर फारस से लोग पलायन करके हिंदुस्तान नहीं आते तो यहाँ ताजमहल नहीं बन पाता। ऐसी बहुत सारी विश्व में कृतियां हैं जो लोगों ने पलायन करके एक जगह से दूसरी जगह गए और एक ऐतिहासिक चीजें बना दी। लेकिन पलायन का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत संवेदनशील है, जो प्राचीन और मध्यकाल में जिसे फोर्स माइग्रेशन के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जो तलवारों के जोर पर होता था, जिसमें दो ही लोग पलायन करते थे, एक वो जो ताकतवर, दूसरा वो जो कमजोर। लेकिन आधुनिक समय आते आते पलायन की पूरी परिभाषा बदल गई और अब पलायन नीतियों के आधार पर होने लगा है। पलायन और पर्यटन, ये दो शब्द हम बोल रहे होते हैं एक समस्या पर एक दूसरे के उस पूरक समाधान को बोल रहे होते हैं। बहुत गहरे भावार्थ में उत्तर कर देखा जाए तो हम इस नए दौर से पैदा हुए समाज की बेहद संवेदनशील मानसिक व्यवस्था पर बोल रहे होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब पलायन पर बोलते हैं तो लोग हमें गाली देते हैं, खूब गाली देते हैं, तरह तरह के उलाहने देते हैं। तो ठीक है, हम आदि हो गए अब उनकी गालियां और उनके उलाहने सुनने के लिए। माना कि रोजी रोटी और सुख सुविधाओं की तलाश में अपने गांव को छोड़कर बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, तो कुछ शहरों के लोग ऐसे भी हैं कि जो गांव में आना चाहते हैं, नैनीताल और मसूरी से इतर थोड़ा शांत जगह में वो रहना चाहते हैं। और निश्चित रूप से वो इतना खर्चा तो कर ही सकते हैं कि हम जो गांव में बचे लोग हैं उनका गुजर बसर हो सके, उनकी आर्थिकी अच्छी हो सके। और यदि इसी को एक मॉड्यूल के रूप में हम प्रस्तुत कर सके, हम जैसे मेरे सामने शर्मा जी बैठे हैं, मेरे भाई साहब प्रवीण शर्मा जी, आपने एक मॉड्यूल के रूप में विकसित किया, कुछ हम लोग भी कर रहे हैं, तो जो नए लोग चले गए हैं, जो गांव छोड़ के चले गए हैं वो लोग भी वापस आएंगे, वो लोग भी गांव वापस आएंगे और जो गांव निवेश के माध्यम से गांव के जो बेरोजगार लोग हों उनको रोजगार देंगे और पलायन पे अंकुश लग सकता है। दोनों समस्याओं के समाधान के बीच सरकार और समाज के धन एवं बौद्धिक संपन्न लोगों को एक पुल का काम करना होगा, क्योंकि सरकारें भी तभी इस पर कोई सख्त कदम उठाएंगी जब हम सभी लोग मिलकर एक बेहतरीन ग्रामीण पर्यटन मॉडल के दस्तावेज तैयार करेंगे। इसके लिए आपको, हमको, जो भी लोग सक्षम है उनको आगे आना पड़ेगा और कुछ जो है सक्सेस स्टोरी हमें जो है डिलीवर करनी पड़ेगी, लोगों को देनी पड़ेगी, सरकार को देनी पड़ेगी, सिस्टम को देनी पड़ेगी, तभी हम
पलायन पर अंकुश लगा सकते हैं। मेरा जो अपना निजी मत है कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो जिसकी अपार संभावनाएं मेरे प्रदेश में हैं। कल किसी वक्ता ने मेरे से कहा, यहीं पे मैं सुन रहा था, कि हमारे यहाँ कई स्विट्जरलैंड है, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ कई स्विट्जरलैंड है। कल जो है शेखर पाठक भाई साहब को सुन रहा था मैं, तो कह रहे थे कि हिमालय को जितना हम जानने की कोशिश करेंगे उतनी हमारी जिज्ञासा और बढ़ती है, और कुछ ना कुछ नया जानने की हम उत्सुकता हमारे पास हमारे मन में हमेशा रहती है, निश्चित रूप से ये रहती है। तभी हम कहते हैं कि पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और जो धार्मिक पर्यटन और जो अन्य पर्यटन है उसको अलग अलग दृष्टि से देख के एक नीति सरकार को बनानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ युवा यहाँ पे रुक पाएंगे। आगे इसकी प्रेजेंटेशन के जो हमारे कई इसमें स्लाइड हैं, तो उसमें अगर उसमें हम जाएंगे तो पलायन कोई नई चीज नहीं है हमारे प्रदेश के लिए। गांव की अवधारणा और पलायन है क्या कि ग्रामीण स्वीकार्यता नहीं है। हम ग्रामीण आदमी को बड़ी यही दृष्टि से देखते हैं कि ये थर्ड जनरेशन का आदमी है, तो हमको अपने मन में उसके लिए स्वीकार्यता लानी पड़ेगी। मुख्य रूप से जो हमने स्टडी किया है तो उसमें ये चीजें हमारे सामने आई हैं कि जो पलायन हमारे यहाँ मुख्य रूप से शुरू हुआ है वो सन 1990 से शुरू हो गया था, और बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के लिए शुरू हुआ था। राज्य निर्माण के बावजूद महानगरों में पलायन करने का सिलसिला थमा नहीं बल्कि बढ़ा है। हालात ये है कि आज पहाड़ के सैकड़ों गांव, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि 968 गांव भुथा हो गए, वहां एक भी आदमी नहीं रहता है। लगभग 1000 गांव ऐसे हैं जिसमें 10 से कम की आबादी है, और 3900 गांव हमारे पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे हैं कि जहां पे 50 से कम की आबादी है। पलायन की पीड़ा प्रवासियों को निश्चित रूप से सहती है, वो उनके मन में सहती है, उनके मन में पीड़ा होती है कि क्या है, वे अपनी मातृभूमि की वापस लौटने को आतुर हैं। लेकिन समस्या यह है कि पहाड़ में विकास योजनाएं सिर्फ कागजों तक हैं और 3 जिलों में आकर सारा विकास समाप्त हो जाता है। आज निशंक जी एक टीवी डिबेट में कह रहे थे कि हमने तो 32,000 सड़कें बना दी हैं। तो भाई 32,000 किलोमीटर सड़कें हमने बना दी हैं। राज्य गठन से पहले ये 5,000 किलोमीटर थी, लेकिन वे ये बताना भूल गए कि जो ठेकेदार 1,00,000 रुपए का काम करता था वो आज की डेट में 100 करोड़ का हो गया है, और वो अपने गांव में नहीं देहरादून और दिल्ली में रहता है, वो बताना वो भूल गए। इसका दूसरा पहलू है, दूसरे उस विचारों की पलायन के प्रकार क्या है, पलायन के भी कई प्रकार हैं। नौकरी, सरकारी नौकरी और व्यवसाय का पलायन, जैसे कोई बिजनेस करने के लिए आता है, कोई सरकारी नौकरी करने के लिए आता है, कई लोग कॉरपोरेट में भी जाते हैं। रोजी रोटी की मूलभूत आवश्यकताओं का भी पलायन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी कृषि जो धीरे धीरे घट रही है, संसाधनों के अभाव में, टेक्नोलॉजी हम किसान को नहीं दे पा रहे हैं, जंगली जानवरों का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस जो है कि खेतों में हो गया है कि किसान यदि कुछ बोता भी है उसके हाथ कुछ नहीं लगता है, वो एक पलायन वो भी है। शिक्षा के लिए पलायन, देखिए ये एक बड़ी अजीब सी कहानी है जिसमें आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। ये जो राष्ट्रीय मानक है उसमें 30 छात्रों पे एक शिक्षक होना चाहिए, 30 छात्रों पे। मेरे प्रदेश में 17 छात्रों पे एक शिक्षक है, और ऊपर से तुर्रा ये है कि 15,000 शिक्षकों के पद खाली है, और शिक्षक आप देखते हैं, आप किसी से मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, आप शिक्षा क्षेत्र में के बारे में आप जानते हैं। इसका एक दूसरा मेजर कारण है कि चलो शिक्षा के लिए एक आदमी नीचे शहर में आ भी जाए तो बाकी लोग माजी पिताजी घर में रह जाए, लेकिन वो भी नहीं रह पाते। स्वास्थ्य का पलायन, राज्य गठन के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का ध्वस्तीकरण हुआ पर्वतीय क्षेत्रों में, ध्वस्त हो गई है स्वास्थ्य सेवाएं, वो किसी से छुपी नहीं है। पौड़ी जैसे कमिश्नरी अस्पताल में
रात को 10 बजे ईसीजी नहीं होती है, वो कहते हैं हमारे पास ईसीजी करने वाला कोई नहीं है, इमरजेंसी की सुविधाएं कहीं नहीं है, कागजों में इमरजेंसी है, 108 है, कुछ नहीं है। अभी पीछे एक वीडियो मैंने वायरल किया भी था, जो सतपुली में एक लेडी 8 घंटे तक एम्बुलेंस में रही है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ स्वास्थ्य सेवाओं का। इसमें एक दूसरा तरह का एक हमारे सामने एक चीज आई, हालांकि हम उसको पहले बोलने में संकोच करते रहे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि हमें उसको बोलना पड़ा। हमारे यहाँ से महिलाओं का जो वैवाहिक पलायन है वो बहुत ज्यादा नीचे हो रहा है, स्टेट के मैदानी भागों में और स्टेट से बाहर। और इसमें कुछ इलाके हमारे प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, वो भी एक बड़ा इशू है महिलाओं का पलायन का। और एक है स्वैच्छिक पलायन, जो लोग सक्षम हो गए हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो 1 लाख रुपए का एक काम करता था वो 100 करोड़ का काम कर रहा है, तो समृद्ध हो गया है, तो उसका स्वैच्छिक पलायन है। अब इसके बाद हम प्रभाव की ओर जाते हैं कि इसका क्या प्रभाव हम पे पड़ रहा है, स्पेशल पर्वतीय क्षेत्रों में इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसका एक सबसे मेजर प्रभाव है वो जनसंख्या कम होने से, जनसंख्या के कम होने से जो परिसीमन जो है विधानसभाओं का जो परिसीमन है उससे हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में। 2001 के परिसीमन से 9 सीटें हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की कम हो गई थी, और 2011 की जो जनगणना है अगर उसके मानक पर उसके जो अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किए हैं, तो इसमें हमारी पर्वतीय क्षेत्रों की 7 सीटें और कम हो रही हैं, 7 सीटें हमारी और कम हो रही हैं। और जो परिसीमन हमारे यहाँ होना है वो 2021 की जनगणना पे हमारा परिसीमन होना है, 2024 का जो परिसीमन होगा 2021 की जनगणना के हिसाब से हमारा परिसीमन होना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 के परिसीमन में हमारी राजनीतिक भागीदारी पर्वतीय क्षेत्रों की कितनी रह जाएगी। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये विशुद्ध रूप से पर्वतीय प्रदेश का गठन हुआ था, वहां पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की भागीदारी के लिए इस प्रदेश का गठन हुआ था, जो कि धीरे धीरे हमारा प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। विकास परक योजनाओं की लागत राशि में कटौती, सरकारी जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो जनसंख्या के आधार पर बनती हैं। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से विकास राशि, जो विकास के लिए जो भी धन आएगा उसमें कम आना है, और हम पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता। ये जो हमारे नीति आयोग योजना आयोग है वो भी जनसंख्या के आधार पर हमको पैसा देता है, और यही हालत हमारी रही तो हम निरंतर पिछड़ते जाएंगे हर क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पिछड़ते जाएंगे, विकास के क्षेत्र में पिछड़ते जाएंगे, हर क्षेत्र में हम पिछड़ते जाएंगे। अब इसमें एक सवाल और आता है कि बहुत बातें होती हैं, जगह जगह बातें होती हैं, सेना के बारे में भी होती है, राष्ट्रीय सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से यदि सेना की हम बात करेंगे तो हम दो देशों को के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। एक हम शत्रु राष्ट्र नेपाल के, सॉरी चाइना के साथ सीमा 350 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और एक लगभग इतनी 450 किलोमीटर की सीमा हम मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ साझा करते हैं। और जो गांव का जो प्रथम पंक्ति का जो रक्षक है वो स्थानीय नागरिक है,